हेलो दोस्तों टॉपर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है मैं तिलक शर्मा आज आपके सामने फिर से उपस्थित हूं जैसा कि आपको लास्ट वीडियो में बताया गया था कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम जो कि 25 डेज के बाद में होने वाला है उसके लिए आपको हर एक टॉपिक के 10 एम डेली कराए जाएंगे मैथमेटिक्स के रेस्पेक्ट में भी और रीजनिंग के लिए भी तो दोनों सेक्शन को हम लोग यहाँ पर कवर करके चलेंगे और डेली के टेन एमसी में हम लोग डिस्कस करेंगे टेन कॉन्सेप्ट को और कोशिश करेंगे कि जितने भी कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्वेंटी फाइव डेज में आपके टू फिफ्टी कॉन्सेप्ट रीजनिंग के टू फिफ्टी कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स के तो वहां ये कॉन्सेप्ट आपके आपके पूरे एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेंगे तो यहाँ पर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं नंबर सिस्टम को दस कदम नाम दिया गया है इस बैच को क्यों क्योंकि यहाँ पर टेन एम कराए जाएंगे हर वीडियो में अब नंबर सिस्टम अपने आप में क्या है एक ब्रॉड टॉपिक है इसमें अगर हम देखें तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं उन्हीं कॉन्सेप्ट में से छाट कर लाकर आपको दस कॉन्सेप्ट आज की क्लास में कराए जाएंगे तो उन्हीं कॉन्सेप्ट की हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से तो यहां पर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक से पचास के बीच कितनी जुड़वा अभाज्य संख्याएं हैं तो यहां पर बात की जा रही है जुड़वा अभाज्य संख्याओं यानी कि ट्विन प्राइम नंबर्स की अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं जो कि वन से और खुद से डिविजिबल हो प्राइम नंबर क्या होंगे आपके जो वन से और खुद से डिविजिबल हो उनको हम लोग क्या बोलते हैं प्राइम नंबर अब ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं जुड़वा अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच में डिफरेंस हो कितने का टू का अभाज्य संख्याओं का ऐसा सीक्वेंस ऐसी दो अभाज्य संख्या जिनके बीच में दो दो का डिफरेंस हो जैसे आपका थ्री कॉमा यहां पर आपका डिफरेंस कितने का है इन दोनों के बीच में टू का तो ये आपका फर्स्ट ट्विन प्राइम नंबर है आपको चेक करना है एक से पचास के बीच में ऐसी कितनी अभाज्य संख्याओं के हैं जो कि क्या है जुड़वा अभाजा अब इसके बाद नेक्स्ट नंबर की बात करें तो यहां पर फाइव और सेवन ये सेकेंड नंबर आपको मिलेगा इसके बाद और कौन सा नंबर हो सकता है यहां पर सेवन और इलेवन के बीच में फोर का डिफरेंस है तो यहां पर नेक्स्ट नंबर लेंगे इलेवन और थर्टीन 11 13 के बाद में कौन सा नंबर आएगा 17 और 19 9 इसके बाद में आपका नेक्स्ट नंबर 29 और 31 और इसके बाद नेक्स्ट नंबर की अगर हम बात करें और कोई भी आपको पेयर मिल सकता है क्या 41 और 43 तो यहां पर हम देखेंगे 1 से 50 के बीच में ऐसे टोटल सिक्स पेयर हैं यानी कि आपके छह पेयर ऐसे हैं जो कि किसको फॉलो करते हैं जुड़वा अभाज्य संख्याओं को तो इस फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा बी ऑप्शन ये सभी को क्लियर है तो यहां आप ध्यान रखेंगे इस कॉन्सेप्ट को कि जुड़वा अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं इनकी डेफिनेशन क्या है तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपके ट्विन प्राइम नंबर हैं या जुड़वा अभाज्य संख्याएं हैं अभाज्य संख्या कौन सी होती है ये अभाज्य संख्याओं के वो पेयर हैं वो आपके जोड़े हैं जिनके बीच में आपका कितने का डिफरेंस होता है टू का डिफरेंस कितने का होना चाहिए का तो इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखेंगे चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट <coughs> क्वेश्चन में ये है, यदि एम और एन प्राकृतिक संख्याएं हैं ठीक है नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं आपके <coughs> जो वन से स्टार्ट होंगे और कहां तक आपका चलेंगे इनफाइनाइट तक अब आपको यह बताना है एम प्लस एन का वह न्यूनतम मान क्या है वो मिनिमम वैल्यू क्या है जिससे थर्टी थ्री एम प्लस ट्वेंटी टू एन यानी कि थर्टी थ्री ये किससे डिविजिबल हो आपका 121 से एक इक्कीस से पूरी तरह से क्या हो जाए विभाज्य हो जाए अब यहां पर जब हम नंबर्स को देखेंगे तो इन दोनों नंबर्स में आपका क्या कॉमन है इलेवन तो ये क्या बचेगा थ्री एम प्लस टू एन डिवाइड में आपका वन ट्वेंटी क्या लिखेंगे इलेवन इन इलेवन तो इस इलेवन से इस इलेवन को हमने कट कर दिया अब यहां पर आपको क्या चेक करना है एम प्लस एन की वो मिनिमम वैल्यू क्या है जिसको पुट करने पर ये आपका जो नंबर है थ्री एम प्लस टू एन किससे डिवाइड हो जाए इलेवन से अब यहां पर हमें ये देखना है कि एम और एन की ऐसी हम कौन सी वैल्यूज पुट करें जिससे हम इलेवन तक पहुंच जाए तो अगर हम m की जगह रखते हैं कितना थ्री तो थ्री थ्री जगह कितना हो जाएगा नाइन और n की जगह कितना रखेंगे वन तो आपका कितना हो जाएगा टू नाइन और टू इलेवन इलेवन से पूरी तरह डिविजल है तो यहां पर m प्लस एन की मिनिमम जो वैल्यू आएगी मिनिमम वो कितनी आ जाएगी यहां पर थ्री प्लस वन इक्वल टू फोर तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो बी ऑप्शन फोर सही हो जाएगा तो नेक्स्ट आपका ये सेकंड कॉन्सेप्ट था इसमें हमें uh, ये बताना था कि एम प्लस एन की वो न्यूनतम वैल्यू क्या है जिससे थर्टी थ्री एम प्लस ट्वेंटी टू एन किससे डिविजल हो वन ट्वेंटी वन से तो इस तरह के अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको ऐसे सॉल्व करना है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वीडियो को आप पॉज करके एक बार उनके आंसर खुद से करने की कोशिश करिए अगर आपका आंसर आ रहा है तो अच्छी बात है तो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम देखेंगे तो यहां पर यह पूछा गया है कि एक्स वाई एक्स बाई एक्स बाय एक्स बाय एक्स बाय और एक्स बाय ये आ, संख्या दे रखी है ये छह अंक की संख्या है तो ये बताना है कि ये संख्या किस से भाज्य होगी ऑप्शन में थ्री और सेवन दे रखा है कि केवल थ्री और सेवन से या सेवन और इलेवन से थ्री थर्टीन और थर्टी सेवन से या थ्री आ, सेवन थर्टीन और थर्टी सेवन तो जब इस नंबर को हम एक्सपेंड करते हैं तो सबसे पहले इस एक्स के लिए क्या लिखेंगे आ, वन पर आपके कितने फाइव जीरो वन टू थ्री फोर फाइव इन uh, टू आपका कितना एक्स ठीक है प्लस आगे चलेंगे तो यहां पर आपका ये इस तरह से लिख देते हैं इसको इन टू में एक्स ऐसे लिख देते हैं स्मॉल में ताकि दोनों में क्लियर रहे इसके बाद uh, हम अगर बाई की बात करते हैं तो इस बाई को कैसे लिखा जाएगा uh, यहां पर आपका बाई के आगे कितने वन uh, और ये कितने फोर जीरो टेन थाउजेंड मल्टीप्लाई बाय यहां पर हमने बाई लिख दिया अब इसके बाद नेक्स्ट x के लिए हम लोग देखेंगे तो यहां पर 1000 into कितना आ जाएगा x आ जाएगा इसके बाद नेक्स्ट y के लिए तो यहां पर 100 y इसके बाद नेक्स्ट x के लिए 10 into x और लास्ट में आपका 1 y तो इन सबको जब हमने इस तरह से एक्सपेंड कर लिया आप देखोगे इनमें अगर x वाले टर्म है ये सारे अगर हम ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास में कितना मिलेगा Uh, ये आपका वन जीरो वन जीरो वन जीरो ठीक है तो यहां पर uh, ये वन आ जाएगा इसके बाद uh, ये आपका फोर्थ uh, प्लेस पर वन आएगा उसके बाद फिर ये सेकंड uh, प्लेस पर बना आ जाएगा ये साथ में आपका किसके एक्स के मल्टीपल में है बाई वाले टर्म ऐड करोगे तो यहां पर कितना आएगा आपका वन जीरो वन जीरो वन और ये किसके आपका टर्म में बाई के टर्म में इन दोनों में अगर हम देखेंगे तो हमारा क्या कॉमन आ जाएगा वन जीरो वन जीरो वन और हमारे पास क्या बचेगा टेन एक्स प्लस बाई इस तरीके से ठीक है तो अब वन जीरो चेक करना है कि ये किस किस नंबर से आपका डिविजिबल है क्योंकि हमें लास्ट में ये बताना था कि ये जो नंबर है टोटल ये किस से आपका विभाजित होगा तो सबसे पहले यहां पर हम वन जीरो वन को अगर हम चेक करें वन जीरो वन को तो हमें देखकर पता लग रहा है इसमें सारी डिजिट्स का सम कितना है थ्री और सारी डिजिट का नंबर अगर अगर सम थ्री है तो ये नंबर थ्री से तो डिविजिबल हो ही जाएगा अगर हम थ्री से इसको डिवाइड करते हैं तो ये कितना आएगा थ्री थ्री नाइन यहां पर थ्री थ्री नाइन एटीन सेवन ठीक है इसके बाद अगर हम देखेंगे कि ये नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा अगर हम सेवन से इसको डिवाइड करके देखते हैं तो सेवन सेवन कितना सेवन फोर जवेंटी एट फाइव सात आठ छप्पन और एक ठीक है तो यहां पर कितना आ फोर एटी वन के बाद अगर हम इसको डिवाइड करते हैं किससे थर्टीन 13 से थर्टीन 13 से 13, थर्टीन जा कितना आएगा थर्टी नाइन नाइन और यहां पर थर्टी सेवन और थर्टी सेवन से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा वन टाइम मींस ये जो नंबर है आपका ये थ्री uh, से भी डिविजिबल है सेवन से भी है थर्टीन और थर्टी सेवन तो आंसर क्या आएगा इसका डी ऑप्शन तो इसमें क्वेश्चन नंबर थ्री का जो आंसर है वो क्या सही हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि ये नंबर थ्री सेवन थर्टीन और थर्टी सेवन से डिविजिबल होगा चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये गिवन है कि एक खेत में कुछ मुर्गियां हैं तथा कुछ बकरियां हैं इसके बाद सभी के सिरों की संख्या यानी कि टोटल नंबर ऑफ हेड्स सिरों की संख्या कितनी दे रखी है यहां पर सेवनटी सेवन ठीक है सिरों की संख्या सेवनटी सेवन है मतलब टोटल एनिमल कुल जानवर कितने हैं खेत के अंदर सेवनटी सेवन क्योंकि हर जानवर है उसके सबके एक सर होता है तो यहां पर सिरों की संख्या 77 सेवन है यानी कि मुर्गियां प्लस बकरियां बकरियों को चलो बी मान लेते हैं ठीक है इन दोनों का सम कितना है सेवनटी सेवन अब इसके बाद यह दे रखा है कि उनके पैरों की संख्या कितनी है दो इस तरह के क्वेश्चन जब भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं तो वहां पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनको करना कैसे है तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको यह देखना है कि अगर सभी जानवरों के अगर टू टू लेग होते यानी कि दो पैर होते तो यहां पर अगर आपके जो आपके पैरों की संख्या है अगर सबके पैरों की संख्या दो होती तो यहाँ पर uh, टोटल पैरों की संख्या कितनी हो जाती है टू इंटू सेवन सेवन यानी कितना 150, uh, अगर इसको हम मल्टीप्लाई uh, करेंगे 154 आ जाएगा अब यहां पर रिमेनिंग जो एक्स्ट्रा लेग है क्योंकि पैरों की कुल संख्या कितनी है 248 तो ये जो एक्स्ट्रा लेग है ये किसके हैं बकरियों के तो यहां अगर हम बात करते हैं कि बकरियों की जो संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी जैसे 248 आपके टोटल लेग्स हैं इसमें से अगर सबके दो पैर अगर हमने कंसीडर किए थे तो यहां पर कितने आए थे 154 ठीक है अब ये क्या है एक्स्ट्रा लेग क्योंकि हर बकरी के क्या है आपके चार लेग होते हैं तो यहां पर दो लेग हमने आपका इससे क्या कर दिया डिवाइड कर दिया तो यहां कितना हमारे पास बचेगा uh, 248 में आपका 154 माइनस करेंगे uh, तो ये uh, 94 डिवाइड बाय टू इक्वल टू फोर्टी सेवन तो यहां पर बकरियों की संख्या कितनी आ जाएगी फोर्टी सेवन और अगर बकरियों की संख्या पता लग गई तो हमें मुर्गियों की संख्या भी पता लग जाएगी 77 सेवन माइनस का फोर्टी सेवन कितना आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का थर्टी तो यहां पर जो आंसर आपका आएगा वो कौन सा बी ऑप्शन थर्टी सही हो जाएगा तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन आते हैं आपको ये देखना है कि मिनिमम लैग किसके हैं मिनिमम लैग यहां पर हमने मुर्गियों के देखे कि मुर्गियों के दो लेग होंगे और अगर हमने सभी जानवरों के अगर हमने दो लेग कंसिडर किए तो कुल पैरों की संख्या हमारे पास कितनी आ गई थी वन

बकरियों की संख्या अब मुर्गियों की संख्या के लिए क्या करना है टोटल जो आपको नंबर सेवेंटी सेवन यहाँ पर आपने स्टार्टिंग में देखा था उसमें से माइनस कर देंगे बकरियों की संख्या तो आपको मुर्गियों की संख्या पता लग जाएगी वही इस क्वेश्चन में पता करना था इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन uh, की तरफ वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे सत्तर और एक को भाग करने पर आ, क्रम से है पांच तथा आठ से बचता है तो ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा ये किसका कॉन्सेप्ट है एच का ये कैसे पता लगा कि एच का कॉन्सेप्ट है महत्तम समापवर्तक का क्यों यह, क्योंकि यहां क्योंकि यहां पर बात कर रहा है बड़ी से बड़ी संख्या की तो जब भी बड़ी से बड़ी संख्या बात करेगा तो वहां पर क्या फाइंड करना होगा एच और छोटी से छोटी संख्या की बात करेगा तो वहां पर हम एल्सियम का केस वहां पर कंसीडर करते हैं तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 70 और 125 को भाग करने पर 7 तथा शेषाइट बचता है तो यहां पर हमें निकालना 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 है किसका HCF निकालना है किसका 70 का निकालना होता लेकिन हमें रिमाइंडर को कंसीडर करना था कितना था 5 तो 70 में से 5 माइनस कर देना है इसके बाद 125 हमें कंसीडर करना था तो 125 कंसीडर करते लेकिन रिमाइंडर भी गिवन है तो माइनस का कितना कर दिया आपने एट तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो जो भी रिमाइंडर है उसको उसमें से क्या कर देना है सब कर देना है तो यहां आपके कौन से नंबर बच जाएंगे एक तो आपका सिक्सटी फाइव और यहां कितना बचेगा uh, one, one, अब इनका अगर हम एच सी एफ फाइंड करते हैं एच सी एफ किसका सिक्सटी फाइव और वन वन सेवन का डिवीजन मेथड आपने सीखा होगा इस तरह से हम लोग पता करते हैं सिक्सटी फाइव बन जा सिक्सटी फाइव तो यहां पर कितना टू फाइव ये फिफ्टी टू बच गया यहाँ पर आपका सिक्सटी फाइव फिफ्टी टू यहाँ पर कितना बच गया थर्टीन और 52 को जब डिवाइड करेंगे तो कितना डिवाइड हो जाएगा तो हमें एच मिल जाएगा कितना 13 डिवीजन मेथड से हमने पता कर लिया तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा ए ऑप्शन 13 तो इस केस में हमें एच पता करना था इस तरह के क्वेश्चन अक्सर कर एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल में इस इस बार तरह के क्वेश्चन पूछ नेक्स्ट क्वेश्चन और, और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है अब यहां पर हमेशा एक पूर्णांक संख्या होगा या कभी अपरिमेय और कभी परिमेय या हमेशा एक अपरिमेय संख्या या हमेशा एक परिमेय संख्या अब यहां पर अगर हम बात करते हैं परिमेय संख्या की परिमेय संख्या परिमेय संख्या क्या होगी आपका पी अपॉन क्यू की फॉर्म में जो भी रहती है आपका रेशियो की फॉर्म में रहेंगी भिन्न की फॉर्म में और क्यू की वैल्यू यहां पर क्या है नॉट इक्वल टू जीरो होनी चाहिए क्योंकि ये नंबर कभी इनफाइनाइट नहीं होता अब परिमेय संख्या है इसके बाद अगर हम बात करें अपरिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या कौन सी होती है जो कि रूट के टर्म्स में आपका गिवन हो रूट के टर्म्स में कोई भी नंबर हो सकता है ठीक है तो रूट के टर्म्स में गिवन अब यहां पर यह बताना है कि और संख्या का जो गुणनफल है तो अगर हम जीरो को कंसीडर ना करें अगर जीरो को हम परमे संख्या कंसीडर ना करें तो यहां पर जितनी भी परमे संख्या है उनका अपरमे संख्या से मल्टीप्लाई करने पर आपको हमेशा क्या मिलेगा अपरमे संख्या ठीक है तो यहां जब भी जीरो को कंसीडर नहीं करते हैं तो परिमेय संख्या यानी कि p अपॉन q का मल्टीप्लाई करते हैं रूट एन से तो हमें आंसर में क्या मिलता है अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या लेकिन जीरो क्योंकि एक क्या है परिमेय संख्या भी है तो जब भी हम जीरो को कंसीडर करेंगे रूट एन के साथ में तो हमें आंसर में आपको क्या मिलेगा एक परिमेय संख्या मिल जाएगी परिमेय संख्या तो इस क्वेश्चन में जो आंसर आएगा वो आपका क्या आएगा कि कभी वो संख्या परिमेय होगी और कभी अपरिमेय होगी केवल इस जीरो की वजह से तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा कभी परिमेय और कभी अपरिमेय संख्या तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझ समझेंगे कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या क्या होती हैं इनकी डेफिनेशन क्या है उसके बेसिस पे आपको जीरो को यहां पर कंसीडर करके चलना है उसी के आपका आधार पर यहां पर आंसर चेंज हुआ अगर जीरो कंसीडर ना करते तो इसका आंसर क्या होता सी ऑप्शन ठीक है चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट है चार अभाज्य आरोही संख्या क्रम में लिखी हुई है इनमें से प्रथम तीन संख्याओं का गुणनफल 385 तीन सौ है तो यहां पर हमने तीन संख्याएं कंसीडर की पी क्यू और आर इनका गुणनफल कितना दे रखा है तीन सौ पिचासी थ्री एटी फाइव ठीक है अब यहां पर प्रथम तीन संख्याओं का गुणनफल दे रखा है और अंतिम तीन संख्याओं का गुणनफल यानी कि q तो रहेगी संख्या r भी रहेगी और अंतिम संख्या हमने मान ली कौन सी है s p q r s ये चार क्या हैं अभाज्य संख्याएं हैं जो कि आरोही क्रम में लिखी हुई हैं और इनका गुणनफल किसके इक्वल है 1001 के ठीक है अब क्योंकि सभी संख्याएं क्या हैं अभाज्य संख्याएं हैं मतलब ये 1 से और खुद से डिविजिबल होंगी अब इसमें अगर हम आ, 385 के रेस्पेक्ट में जब हम इसके गुणनखंड निकालेंगे तो 385 किससे डिवाइड हो जाएगा फाइव से तो ये फाइव सेवन या थर्टी और यहाँ पर कितना सेवन या थर्टी फाइव से डिवाइड करेंगे इलेवन टाइम इलेवन से डिवाइड कर देंगे वन टाइम यानी कि जो पी क्यू आर था पी क्यू और आर इनकी वैल्यू क्या है आपका फाइव इंटू सेवन इंटू इलेवन ठीक है तो यहां पर हमें Q और R की वैल्यू पता लग गई कितनी है सेवन और इलेवन और इसके बेसिस पे अगर हम S की वैल्यू निकालेंगे तो यहां पर जो S की वैल्यू है वो आपको कितनी मिल जाएगी वन जीरो जीरो वन डिवाइड बाय आपका क्या कर देंगे QR यानी कि सेवन इंटू इलेवन तो यहां कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी S की 13. करके देखेंगे, 13 आपकी थर्टीन तो आंसर नंबर तो आपका डी सही हो जाएगा इसमें तो यहां पर अभाज्य संख्याओं के कॉन्सेप्ट को यूज किया गया था और उसके बेसिस पे आपका ये क्वेश्चन था चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ अगले क्वेश्चन में ये गिवन है कि 32 से लेकर 75 तक जितने भी प्राकृतिक संख्याएं हैं इनके गुणनफल में शून्य की संख्या क्या होगी नंबर ऑफ जीरोस के कॉन्सेप्ट को हमने पहले के वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ है अगर आपको उसको डिटेल में पढ़ना है तो क्वांट फॉर एसएससी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें आप आप जाके ये सारे आप पढ़ सकते हैं डिवीजन रूल भी है डिविजिबिलिटी आपका है यानी कि uh, विभाज्यता के नियम और इसके अलावा शून्य की संख्या इकाई का अंक कैसे पता करते हैं वो सारी चीजें वहां पर आपका मैंशन की हुई है डिटेल में अब इस क्वेश्चन के लिए हमें अगर ये देखना है कि जीरो जो है वो हमें कब मिलता है जीरो कब मिलेगा जब किसी फाइव का मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी इवन नंबर में फाइव का मल्टीप्लाई किसी भी इवन नंबर में करते हैं तो हमें शून्य मिल जाता है अब यहां पर यह बताना है कि नंबर ऑफ जीरो यानी कि शून्य की कुल संख्या कितनी होगी अब यहां पर हमें नंबर ऑफ फाइव काउंट करने हैं नंबर ऑफ फाइव हमें कहां से मिलेंगे आपका देखो पहला फाइव हमें थर्टी फाइव से मिल जाएगा दूसरा फाइव हमें कहां से मिलेगा फोर्टी फाइव से इसके बाद आ, 50 से हमें क्या मिलेगा 5 का स्क्वायर यानी कि आपका 25 आपको वहां से मिल जाएंगे 50 से 55 से आपको क्या मिलेगा यहाँ पर आपको 15 फिर मिल जाएगा 65 से फिर से आपको 15 मिलेगा इसके बाद अगर आप चलेंगे 75 पे तो 75 से आपको कितने 25 मिल जाएंगे तो अगर आप देखोगे कि टोटल आपके पास फाइव की संख्या कितनी है थ्री फोर और टू सिक्स सेवन और एट तो टोटल नंबर ऑफ फाइव आपके पास कितने हो जाएंगे एट ठीक है अब एट फाइव है इसके बाद एट आपके पास इवन नंबर भी होने चाहिए इवन नंबर तो आपको एट से कई ज्यादा मिल जाएंगे जैसे आपका थर्टी टू में ही आप देखोगे तो फाइव आपको इवन नंबर मिल जाएंगे टू फाइव टाइम है और ऐसे ही आपको आगे कई सारे इवन नंबर मिलेंगे तो यहां पर शून्य की जो संख्या रहेगी वो क्या आ जाएगी एट तो इसका जो आंसर है वो डी ऑप्शन एट सही हो जाएगा तो याद रखेंगे इस कॉन्सेप्ट को जब भी हमें शून्य की संख्या ज्ञात करनी है तो हमें क्या पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ कितने हैं यानी कि पांच की जो संख्या है वो क्या है इसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि वहां पर इवन नंबर यानी कि सम संख्याएं है, कितनी हैं और उनका मल्टीप्लाई करने पर हमें जीरो मिलते जाएंगे जो भी मिनिमम संख्या होगी उतने आपके नंबर ऑफ जीरो आ जाएंगे इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर नाइन एक अप, एक संख्या 368 सिक्सटी एट एक्स सिक्स बाई इसको 72 टू से विभाज्य है यह संख्या तो निम्नलिखित विकल्पों में से x माइनस वाई का संभवित मान क्या है यदि x की वैल्यू क्या है बाई से कम है तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है क्या इसका सॉल्यूशन होगा इसके लिए हमें यह पता होना चाहिए कि 72 से कोई भी नंबर कब डिविजिबल होता है अच्छा 72 की अगर हम बात करते हैं तो 72 को हम क्या लिखते हैं 2 की पावर 3 कि थ्री थ्री की पावर 2 9 टू नाइन तो यहां पर हमें ये देखना है कि uh, 72 का डिविजिबिलिटी रूल किससे आपका 8 से और साथ ही साथ किससे 9 से ठीक है तो 8 से डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा 9 से डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा और उसके बाद x और y के संभवित मान क्या क्या हो सकते हैं लेकिन इस क्वेश्चन को हम बिना बिना डिविजिबिलिटी रूल लगाए भी सॉल्व कर सकते हैं केवल इस कंडीशन के बेसिस पर यह कंडीशन क्या दे रखी है एक्स की वैल्यू क्या है बाई से कम है और यहां पर फाइंड करना है क्या एक्स माइनस का बाई क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या है बाई से कम है तो यहां पर एक्स माइनस बाई जो होगा ये हमेशा क्या होगा नेगेटिव नंबर आएगा नेगेटिव नंबर आएगा यानी कि नकारात्मक संख्या और कौन सा ऑप्शन आपका नेगेटिव दे रखा है वैल्यू तो हो क्या होगी इक्वल होगी किसके बाई के लेकिन यह तो कंडीशन हमें कहीं नहीं गिवन है अगर यहां पर एक्स की वैल्यू ग्रेटर होती बाई से तो यहां पर आंसर फोर और टू आपका इनमें से भी कोई हो सकता था तो तब आपका नेगेटिव आंसर और जीरो आंसर सही नहीं होता तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हम बिना सॉल्व किए भी सॉल्व कर सकते हैं इसका आंसर क्या आएगा बी ऑप्शन अगर आपको इसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना है तो यहां पर नाइन और एट के लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल चेक करके एक्स और वाई के संभवित मान पता करने होंगे तो इसका पूरा जो प्रोसेस है वो हमारा विभाज्यता का नियम पिछले आपके जो प्ले में वीडियो पड़े हैं वहां पर आपको इसका डिटेल में देखने को मिल जाएगा सोल्यूशन चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लास्ट क्वेश्चन टेंथ नंबर वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करो जिससे कि गुणनफल 288 टू एटी एट एक पूर्ण घन हो तो यहां पर यह बताना है कि वो छोटी से छोटे नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या क्या है जिससे आ, 288 एट्टी एट ये क्या हो आपका परफेक्ट क्यूब यानी कि पूर्ण घन हो तो हमें इसको हमें क्या बनाना है पूर्ण घन अब 288 के जब हम फैक्टर करते हैं तो कैसे करेंगे टू से डिवाइड किया वन 144 को 2 से डिवाइड किया, 72, फिर 2 से डिवाइड किया 36, फिर 2 2 से से डिवाइड डिवाइड किया, किया, 18, फिर से किया 9, फिर 9, आपका 3 और फिर 3, ठीक है और लास्ट में आपको हमें एन की वैल्यू हमें बतानी थी अब इसमें आ, कोई भी नंबर है अगर वो पूर्ण घन होगा तो उसके लिए आपको आ, थ्री थ्री नंबर्स के पेयर बनाने पड़ेंगे एक तो इस टू का पेयर बन जाएगा यहां पर आपके टू केवल टू टाइम्स हैं यानी कि एन में एन की जगह हम एक टू अगर ऐड कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये भी आपका पेयर कंप्लीट हो जाएगा थ्री टू का इसके बाद यहां पर भी थ्री केवल के दो ही आपके नंबर दे रखे हैं तो एन की जगह एक थ्री का मल्टीप्लाई और कर दें तो ये थ्री का भी पेयर कंप्लीट हो जाएगा तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी थ्री टू झा सिक्स तो आंसर क्या आएगा इसका डी ऑप्शन सिक्स तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो हमें क्या करना है जो भी नंबर दे रखा है उसको फैक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है अगर पूर्ण घन की बात की गई है तो नंबर्स के पेयर बनाने है, जोड़े बनाने हैं हैं जोड़े और अगर दो संख्याओं की बात की गई है यानी कि पूर्ण वर्ग की की बात की गई है तो दो दो नंबर के पेयर बनाने हैं अच्छा इसमें अगर ये बोला जाता कि वो संख्या ये आपका जो गुणनफल है ये पूर्ण वर्ग अगर इसको बनाना है तो पूर्ण वर्ग के लिए हमें क्या देखो देखना होता है देखो एक तो ये पेयर था एक ये पेयर था ये टू आपका केवल ये अनपेयर था और ये वाला आपका जोड़ा यह भी बन रहा था तो यहां पर फिर एन की वैल्यू क्या हो जाती टू कब जब इसको पूर्ण वर्ग बनाना होता इस गुणन को पूर्ण वर्ग हमें बनाना होता लेकिन आंसर पूछा गया था पूर्ण घन का तो आंसर क्या आ जाएगा इसका डी ऑप्शन सिक्स तो आज के ये जो क्वेश्चन थे देख लेते कोई क्वेश्चन रह तो नहीं गया अः हाँ ये क्वेश्चन आपका एक रह गया है आ, जब एन को आठ से विभाजित किया जाता है तो शेष कितना मिलता है छ तो एन को जब हमने एट से डिवाइड किया तो शेषफल कितना मिला सिक्स ठीक है अब यहां पर यह बोला गया है टू एन टू एन यानी कि एन का डबल कर दिया और इसको अब डिवाइड कर रहे हैं किससे एट से अब एन को जब हमने डबल कर दिया तो जो रिमाइंडर है वो भी तो डबल हो जाएगा रिप्लेसमेंट रिमाइंडर थ्योरम से यानी कि आपका शेष प्रमेय से तो सिक्स इंटू कितना आएगा टू अब इसको हमें एट से डिवाइड करना है अब ये ट्वेल्व को अगर एट से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर कितना मिलेगा फोर तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका क्या आ जाएगा फोर इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका सी ऑप्शन फोर सही हो जाएगा बाकी के क्वेश्चन हमने सारे इसमें सॉल्व करके देख लिए करके तो ये टोटल टोटल हाँ, क्वेश्चन थे। आज की क्लास में हमने नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे नए चैप्टर के साथ में और दस नए कॉन्सेप्ट को फिर लेकर आएंगे तो आपको बस कुछ नहीं करना है डेली एक घंटा टाइम देना है इन वीडियोस को रीजनिंग का भी वीडियो आपका नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा आज ही के दिन में और इन सारे जितने भी आपके टेन टेन क्वेश्चन के एम हैं सबके कॉन्सेप्ट को इकट्ठा करिए और उनके जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो सकते हैं वो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए आपका 100 परसेंट स्कोर होगा इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा सब कुछ इन्हीं कॉन्सेप्ट से पूछा जाएगा और ये श्योर है कि जो भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इन्हीं क्वेश्चन जो आपके कॉन्सेप्ट उनको प्रैक्टिस करने से ही आपके वो सॉल्व हो पाएंगे चलिए आज की क्लास यहाँ पर हम ओवर करते हैं मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्लास में थैंक यू